राजधानी में 22 गोदाम स्थित एक निजी होटल में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की डिप्टी डायरेक्टर दीपिका रॉय ने कहा कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जहां न सिर्फ दो ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर हैं, बल्कि बुरहानपुर और भोपाल में मुगल वास्तुकला भी देखने लायक जगह है। उन्होंने प्रदेश को पर्यटन प्रेमी के लिए पसंदीदा जगह बताया। रॉय ने कहा कि राजस्थान के ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर की दुनिया में अलग पहचान है। जो हमने प्रेजेंटेशन दिखाया है कि हम किस किस तरह से प्रोत्साहन कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं, और ताकि लोग ज़्यादा आके हमारे यहाँ रुक सकें। जैसे लोग यदि दो दिन रुक रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लोग तीन दिन रुकें, और उसके प्रयास कर रहे हैं कि उसमें और एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करें। जो हमने आपका सांची का इंटरप्रिटेशन सेंटर जो हमने दिखाया आपको कि कैसे बन रहा है, साउंड एंड लाइट शोज़ हैं, उसके इस तरह से कुछ कुछ नवाचार प्रयासें हम कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर आके रहें और एक दिन की जगह दो दिन रहें। ही प्रयास से हम लोग हमारी डेस्टिनेशन की प्रमोशन कर रहे हैं और एक्सपीरियंसेस को और